इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। श्यामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, श्यामनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी संतरा मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी सोनू पंडित को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें दिल्ली का रहने वाला है आरोपी सोनू पंडित, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। श्यामनगर निवासी सुनील के साथ ठगी करने का मामला है। आरोपी ने 73,000 रुपए की ठगी की थी फ्लिपकार्ट के जरिए। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए इस ठगी को अंजाम दिया गया था। मामला दर्ज होने के बाद श्यामनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, पूछताछ में आरोपी ने एक दर्जन ठगी की वारदातें कबूल की है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ है? बिल्कुल आशीष, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है ऑनलाइन ठगी का। चूंकि राजधानी जयपुर शहर के अलग अलग थाना इलाकों के अंदर लगातार ठगी की वारदातें आ रही थी, चूंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए ये ऑनलाइन ठगी हो रही थी। एक पीड़ित था सुनील, जो कि श्यामनगर थाना इलाके के अंदर रहता है, और उसने एक मुकदमा दर्ज कराया था। चूंकि उसके क्रेडिट कार्ड थे यहाँ पर फ्लिपकार्ट के जरिए 73,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग हुई थी, जिसके बारे में पीड़ित को जब पता चला तो उसने श्यामनगर थाने में मामला दर्ज कराया। तो उसके बाद श्यामनगर थाना प्रभारी संतरा मीणा, उसने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लिया और उसके बाद अपनी टीम को रवाना किया पूरी जांच पड़ताल करते हुए। तो पता चला जहां से ठगी हुई है वह दिल्ली निवासी है। तो इसके बाद संतरा मीणा ने अपनी जो टीम थी, जिसमें अजय पाल है, इसके अलावा रोहित आश और उसके समेत तीन पुलिस कांस्टेबलों को सीधा दिल्ली रवाना किया। और उसके बाद जो एक मुख्य जो ठग है, शातिर ठग है, जिसको सोनू पंडित नाम है, जिसका उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जब उससे पूछताछ हुई है तो उससे करीब एक दर्जन से ज्यादा यहाँ पर ठगी की वारदातों का यहाँ पर खुलासा हुआ है। जो आरोपी जो ठग है वो अपने कई साथियों के साथ मिलकर के इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देता था, मगर इसके जो अन्य साथी थे वो मौके से फरार हो गए। खुद सोनू पंडित भी यहाँ से भागने की फिराक में था, मगर तीनों जो कांस्टेबलों की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है, सराहना भूमिका कही जाएगी, क्योंकि जब ये भाग रहा था तो उन्होंने भागते हुए इस आरोपी को दबोचा है। फिलहाल अब इससे पूछताछ चल रही है कि अब तक कितनी वारदातें इन्होंने की है और कितने करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की ठगी की है, इन सब चीजों का यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होगा। बिल्कुल यहाँ पर आशीष, यादवेंद्र यहाँ पर जानना चाहेंगे, इसको पकड़ा गया है और करीब एक दर्जन से ज्यादा ठगी की वारदातें इसने कबूल करी है, तो क्या सभी राजस्थान में की गई है या राजस्थान से बाहर भी इन वारदातों को अंजाम दिया गया है? देखिए, ये जो ठग इतना शातिर है कि जयपुर ही नहीं, जयपुर के अलावा अन्य राज्यों के शहरों हैं जहां पर कई जिलों में इसने ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। बेसिकली जो हमारे पास जो प्रारंभिक जांच पूछताछ थी उसमें सामने आया कि जयपुर के अलावा दिल्ली है, दिल्ली के अलावा यूपी और एमपी के अंदर भी इसने इस ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। बेसिकली इनका ठगी करने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्योंकि ये कस्टमर बनकर के फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड में आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स इतने आए हैं और वो खत्म हो जाएंगे, इसके लिए अगर आपको अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कराना है तो आपको इसके लिए अपना जो कार्ड का लास्ट चार डिजिट नंबर बताना होगा और इसके अलावा डीओ भी बताना होगा। मगर कस्टमर केयर की आड़ में जो पीड़ित जो होते हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और वो अपना नाम बता देते हैं थोड़े लालच के लिए, और इसी के चलते यहाँ पर ये लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। मगर एक बड़ी कमी भी यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले जो लोग थे उन पर नजर बनाई हुई थी और उसी के चलते यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से एक दर्जन से अधिक ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पुलिस की चंगुल में यह फंस गया है। कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन जयपुर पुलिस ने आखिरकार इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।